अभी लखनऊ पहुंची है, हमने खाना ऑर्डर करा हुआ है ऑनलाइन जोमेटो से। ये रहा हमारा बोगी B2 थर्ड AC। हाँ जी, तो बात कुछ ऐसी है कि सप्ताह भर दिल्ली में रहने के बाद हमें घर भी तो लौटना था, क्योंकि ईद का दिन करीब आ रहा था। ऑलरेडी हमने 31 मार्च को टिकट करा लिया हुआ था, सो टाइम पे हम लोग आनंद विहार जंक्शन पहुंच जाते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे सप्त क्रांति हमारा ही इंतजार कर रही है। ट्रेन पे जाते हम लोग सामान वगैरह पूरा अरेंज कर देते हैं और मस्त सो जाते हैं। जब आँख खुलती है तो लखनऊ जंक्शन आ चुकी है और रात के अभी 11:30 हुए। चलिए पानी वगैरह ले लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं भीड़, रात का नज़ारा, रात का मौसम। जल्दी से चलते पानी लेते हैं, हमने खाना ऑर्डर भी करा हुआ है तो सारा खाना अभी आ रहा है। एक पानी बोतल दे देना, पानी बोतल ये लो पैसे। पचास बीस सत्तर दस अस्सी अच्छा 15। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। सो हमने पानी ले लिया है। तो मैंने काफ़ी नाम सुना है बहरौज की बिरयानी के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, सो हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा हुआ है और हमारी ट्रेन लखनऊ जंक्शन पे रुकी हुई है और यहीं पे वो पार्सल आने वाला है, हमारे सीट पे आने वाला है। सो देखते हैं अभी कितने देर में आता है हमारा पार्सल। बस अभी लखनऊ पहुंची है, हमने खाना ऑर्डर करा हुआ है ऑनलाइन, हमने पानी यहाँ पे ले लिया है और 15 रुपये का पानी यहाँ पे मिला है। वैसे जनरली अंदर ट्रेन में 20 रुपये का मिलता है, बट यहाँ पे स्टेशन पे मुझे 15 रुपये का मिला है, रेल लीड है। सो चलते हैं अपने सीट के पास। ये रहा हमारा बोगी B2 3rd AC। सो चलते हैं अंदर में और देखते हैं हमारा ऑर्डर आया है या नहीं। आया लेके लीजिए, है लेके नहीं आया। हाँ दे दो, अहमद नाम होगा। हाँ दे दो मुझे, दे दो। चलो थैंक यू, भाई ने यहाँ पे पार्सल दे दिया हमारा, आ गया बिरयानी, थैंक यू सो मच भाई। ओके OTP बताना होगा? नहीं सर, कैश देना। कैश, आ जाओ अंदर ही, आ जाओ अंदर ही, आ जाओ। ऑनलाइन नहीं लोगे? हो जाएगा ना, आ जाओ अंदर ही। आ गया आ गया, मार दीजिए तो ऑनलाइन, आ जाओ इधर ही आ जाओ। बारकोड दिखा, पहुंचेगा ही नहीं। हमको भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहीं पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। अंकल जी एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, एक कोक दे दो, कोक कितने की है? ये लो। मस्त हमारा ऑर्डर आ चुका था बिरयानी और हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ले लिया। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली कि बिरयानी खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है। सो बस चलते हैं अपने सीट पे और इन्जॉय करते हैं अपने फूड को। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया था, ये है बहरौज की बिरयानी की पैकिंग और इन्होंने काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ भेजा है और ये रहा हमारा पैकेट और कुछ इस तरीके का पैकिंग है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैक करके दिया है। सो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। यो एंजॉय। वैसे रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस बोगी के सारे लोग सो चुके हैं और हमने जो बिरयानी टेस्ट किया था वो बिल्कुल भी प्राइस वर्दी नहीं था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद हम सो गए और न जाने कब सुबह हुई, दिन में भी सोते रहे, कब बिहार आए, कब मुजफ्फरपुर में इंटर किए और कब हमारा होम टाउन आ गया, पता ही नहीं चला। हेलो जी एवरीवन, तो फाइनली बैक टू होम टाउन मुजफ्फरपुर। एक सप्ताह हम लोगों ने दिल्ली में खूब मज़े किए, बहुत सारा घूमा, दिल्ली एक्सप्लोर करा, बहुत मज़ा आया, रमज़ान का वाइब देखा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मेरे पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आने वाला है, दिखने वाला है। और ये एक सप्ताह बहुत जल्दी गुजर गया ना, एक सप्ताह बहुत जल्दी गुजर गया, मतलब मन कर रहा था आपको आने का। हेलो, घर होता। सही बात है, कितना भी किसी जगह पे मन लग जाए ना, लेकिन अपना जो होम टाउन होता है ना, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होता भाई साहब। एक सप्ताह हम लोगों ने खूब वहाँ पे मजे किए और फाइनली बैक टू मुजफ्फरपुर।
ये रही हमारी ट्रेन सब क्रांति एक्सप्रेस, जो कि बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है और ऑन टाइम हम लोग यहाँ पे पहुँच भी गए। इधर से जाते वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, ट्रेन 3-4 घंटे लेट थी, 9 बजे बोल के साला 1 बजे रात में ट्रेन आया। खैर कोई नहीं, चलिए फाइनली बैक टू मुंबई एंड वेट करिए, काफ़ी अमेजिंग ब्लॉग्स और वीडियोज आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।